एंड अब गाइस मेरे कांचा फिश पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पुराने घर के तालाब पे बहुत सारे फिश। फोर सीटर गाड़ी में भाई हम लोग कितना लोग जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फाइनली हम लोगों ने इधर का भी पानी सुखा दिया है, तो होप करते हैं कि भाई इधर हम लोगों को अच्छा खासा फिश मिले। ये देखो मिल गया भाई, ईल फिश का बच्चा है। अब इसको क्या करे, खाएगा तू इसको? हाँ। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने यहाँ पर सारा फिश पकड़ लिया और यहाँ पर है वो सारे फिश जिन्हें हम लोगों ने पकड़ा था। कल सुबह मैं मुस्कुराते हुए बाहर उड़कर देखता हूँ तो मेरा बाबू इन बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चों को बच्चे ही पसंद आते हैं। खैर अब चाय के साथ सूजी खा के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पर मैं ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि बाबू अचानक से रोने लगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट किया। अब मैं अनमोल को बैग में डाल के घुमा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले ये काफी ज्यादा रो रहा था, तो जैसे मैंने इसको बैग में डाला तो इसने रोना भी बंद कर दिया। और पहले हम लोग जब भी इसे बैग में डाला करते थे ना तो ये तुरंत ही रोना स्टार्ट कर देता था, बट आज इसने ऐसा नहीं किया। देखो कितनी अच्छी तरीके से खेल रहा है, मुर्गिया काफी ज्यादा देखना पसंद करता है, तो ये इधर उधर देख के मुर्गिया ही देख रहा है। एंड इधर ये अपनी मम्मी को भी देख रहा है, ये देखो इसकी मम्मी अभी यहाँ पर सब्जियां देख रही है क्योंकि अभी सब्जी काट रही है, तो अभी खाना खाने का टाइम भी हो चुका है क्योंकि भाई सुबह के शायद 11 बज चुका होगा ना गंजी? हाँ 10 बजा है शायद से, ओके 11 बजने वाला है, तो पिताजी को भी खाना लेके जाना पड़ेगा, साथ ही इसको भी फुसलाना पड़ेगा क्योंकि आज घर में मम्मी नहीं है, तो अब मैं ही इसको कभी गोदी में लेके फुसला रहा हूँ तो कभी साइकिल में है। वैसे लगता है कि इसे छोटी बहन का न्यू साइकिल बहुत पसंद आ गया, इसलिए चुपचाप बैठ के आराम से घूम रहा है। एंड जैसे ही मैंने इसको बैग से निकाला तो ये फिर से साइकिल पे ले जा कहने लगा, तो मेरी छोटी बहन इसको यहाँ पर लेके आई। मतलब भाई इतना शरारती है कि भाई ये साइकिल छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। अनमोल वो देखो फिर से जाना है इसको यहीं पे। तब मुझे मम्मी का अचानक से कॉल आया और वो कहने लगी कि अगर तू हमें आज लेने नहीं आया तो शायद आज भी हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। भाई इतना सुन के तो मेरी एकदम से फट, क्योंकि अगर मम्मी नहीं आई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमें इसी से होने वाला है, क्योंकि जब तक इसे हम बाहर नहीं घुमाते तब तक ये रोता ही रहता है। इसलिए अब मैं और मेरे छोटे भाई मम्मी को लेने अपने मामा घर की तरफ निकल चुके हैं, जहाँ पे हो रहा है सत्यनारायण पूजा। मामा जी इसलिए पूजा लगा रहे हैं क्योंकि कल हमारे नाना जी का गुजरा हुआ 1 साल कंप्लीट हो गया, तो आज से सभी का जितना भी बाधा विघ्न था वो खुल चुका है, यानी कि अब हम लोग अपने माथे पे लाल टीका लगा के घूम सकते हैं। इधर हो रहा है फल प्रसाद देने का काम, जिसमें बच्चे बूढ़े सभी लोग मिलकर प्रसाद खा रहे हैं, तो इधर धमाधम पूरी सब्जी बनाने का काम चल रहा है और हम लोगों ने भी प्रसाद खा लिया है, तो अब यहाँ से सभी लोगों को बाय बाय करके जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तो अब गाइस पूजा वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, तो हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर है मेरे नेपाल के मामा जी, दो मामा जी आए है, दोनों ही मतलब भाई भाई है, तो सेम शक्ल के दिख रहे होंगे आपको। और यार हमारी मामी अभी मामी को बाय बाय करते हैं, और ये हमारी नेपाल से आई हुई नानी जी जो बिल्कुल मेरे नाना जी की तरह दिखती है। देखो नहीं देखो, मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, देखना आप लोग भी बताना कि कमेंट में सेम दिखते हैं कि नहीं। तो भाई जब भी मैं इनको देखता हूँ ना तो मेरे नाना जी का याद आता है हमेशा मुझे। आपको हिंदी आता है? आता है थोड़ा बहुत। बाय बाय चलो अब चलते हैं भाई, सभी लोग बैठ चुके हैं, अब मैं भी चलता हूँ अपना घर। और इसके बाद ना मुझे जाना है अपनी बड़ी दीदी के घर, तो बड़ी दीदी का घर मुझे जाना पड़ेगा। एंड अब चलते हैं भाई यहाँ से। चलो हो गया, सब लोग एडजस्ट हो गए। इसको देखो भाई यहाँ पर पूरा एकदम भाई 4 सीटर गाड़ी में भाई हम लोग कितना लोग जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लोग जा रहे हैं भाई, मेला आगे 7 लोग। चलो भाई कोई बात नहीं भाई, 4 सीटर पे आज एडजस्ट कर लेंगे। अब गाड़ी का दरवाजा भी बंद करते हैं। चलो भाई हमारे पुराने घर के तालाब पे बहुत सारे फिश हैं। हाँ, तो आज हम लोग उसी को पकड़ के लाएंगे। मतलब कि आप लोगों ने काफी सारे वीडियो पे देखा होगा कि मैं आज फिश पकड़ने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, तो आज हम लोग सारा का सारा किस्सा ही खत्म कर देंगे, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी। हाँ, इसको भी पकड़ने का बहुत मन है, बट ये बाबू है ना। हाँ, छोटा बाबू है तो उसको सर्दी जुकाम हो सकता है, तो इसीलिए नहीं जाएगी, तो यहाँ से हमारा टीम से हट जा। ये देखो हमारा टीम, अभी हम लोग 4 भाई जा रहे हैं। ओके, ये मेरा साला है, देखो ये साला है। ओके, ये भी भाई है, ये भी भाई है, तो चलो भाई रेडी हो ना सब लोग। चलो एकदम अभी फिश पकड़ के लाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे, और आज ये फिश का किस्सा पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे। अब हम लोग अपने पुराने घर पे आ चुके हैं, और पुराने घर पे आते ही हमने अपना अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया, क्योंकि जब हम लोग तालाब पे घुसेंगे ना तो हम लोग बहुत ज्यादा गंदा बन जाएंगे, तो इसीलिए हमने जितने भी पुराने कपड़े है वो सारे पहन लिया। तो आप चलो तालाब में चलते। पहला यात्रा हमारा यहाँ पर हो चुका है, एक ये वाला मुरली फिश है। ओके, मुरली या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इधर गड़ाई बोलते हैं, गड़ाई।
बड़े फिश ये देखो भाई, पहली बार हम लोगों को मिलती। ओए भाई भागो भागो, ये देखो गाइस, भाग गया भाई, पहली बार ही थे। हम लोगों को जो पहला मछली मिला था वो तो छूट गया, इसीलिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर धमाधम काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको सुखाने की कोशिश करेंगे, देन फिर यहाँ पर जितने भी मछली है ना सारे के सारे पकड़ के लाएंगे। चलो भाई अब हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से करते हैं और इस काम को एंड करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को इस जगह से, इस वाली जगह से कितना मछली मिलता है। तो अब गाइस हम लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने इतना तो पानी सुखा दिया है तो हमें मतलब एक भी फिश यहाँ पर पैरों वगैरह में नहीं लग रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं डाउट है कि भाई फिश हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोग ढूंढते हैं, अगर एक दो मिलना शुरू हो गया तो पहले हम लोग सभी को सुखाएंगे, उसके बाद यहाँ पर चलो यहाँ पर देखते हैं भाई। एक भी नहीं मिला, मिलने लग रहा है, देखो भाई एक छोटा सा। चलो भाई एक छोटा सा पहली बार मुझे मिला है। ओके ये ओ हो ये देखो, ये देखो। चलो भाई एक जान तेरे मुझे एक लग रहा है क्या। चलो भाई यहाँ पर हेर लेने के लिए तो मछली बट नहीं मिल रहा है हमें, पता नहीं भाई ऐसा। बट इतना मेहनत करने के बाद हम लोगों को शायद लग रहा है कि भाई फल अच्छा बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो भाई फिर भी हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कुछ ताकि हम लोगों को मिल जाए। ओके ऐसा करते हैं, चलो। ओ भाई चलो, एक भी फिश नहीं है इधर, एक भी नहीं मिल रहा है। क्या लगता है मिलेगा या नहीं मिलेगा? पता है मेहनत किया, ऐसे ही करके ढूंढते हैं ना फिश भाई, ये पता नहीं है। देखो एक भी तो नहीं आ रहा है भाई। ओ भाई भाई साहब, ओए ये मिल गया एक मिल गया था। ये देखो मेरे साले को मिल गया, मिला कितना बड़ा मिला छोटो सा। इधर दिखा दे। चलो भाई ओ हाय मिल गया एक। अरे अरे भाई क्या बोलिस, कालू भाई को मिल गया एक, देखो भाई चलो भाई रखते चेंगो की गोड़े सिंगी हो गया वही नहीं गोड़े एंड अभी हम लोगों को इस साइड तो उतना फिश नहीं मिला, बस तीन चार ही फिश मिला है और वो भी इतने छोटे छोटे कि भाई मुझे दिखाने में भी शर्म आ रहा है। ये देखो भाई इतना मेहनत किया भाई, पूरा एकदम सांस निकल गया हमारा, लेकिन भाई इधर नहीं मिला हम लोगों को उतना फिश। और अभी तो थोड़ा थोड़ा करके पानी भी भर गया, तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि भाई इधर का हम लोग पानी सुखाएंगे। क्या बोलते हो भाई, सुखा पाएंगे? हो जाएगा ना। चलो भाई मैं तो पूरा गल चुका हूँ भाई। तो फाइनली हम लोगों ने इधर का भी पानी सुखा दिया है, तो होप करते हैं कि भाई इधर हम लोगों को अच्छा खासा फिश मिले। वैसे थोड़ी बहुत तो मिल रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोगों का आशा है कि भाई इधर थोड़ा ज्यादा हम लोगों को फिश मिलेंगे इधर के मुकाबले। इधर तो भाई सिर्फ और सिर्फ चार फिश मिला यार, बट इधर देखते हैं अब हम लोग। चलो भाई आ जाओ जल्दी करो यार, कहा नहीं जा रहा। ये देखेंगे मेंढक दिखने को मिल रहा है भाई यार। चलो भाई देखो मिल गया भाई। इधर भी है, हाँ उधर भी है ना। ये देखो एक मिल गया भाई, ये देखो। चलो भाई अब चलो, अब दूसरा ढूंढते हैं। साला क्या मिल रहा है यार, मेंढक ही मेंढक, तेरी माँ की आंख। चलो भाई मिल जाए हम लोगों को अच्छा खासा, तो मिल रहा है मेंढक ही मेंढक साला। ओ भाई देखो इधर, देखो लोचा हो गया भाई, देखो कांच मिल गया। ये देखो यहाँ पर किसी ने बोतल, कांच का बोतल फुटा के फेंक दिया था मेरा साला का, कितना ज्यादा हाथ कट गया। ओ भाई देखो 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 देखो, ऐसे करके हम लोगों को बहुत सारे फिश मिल रहे। ओ भाई ये तो काफी बड़ा है भाई, ये देखो भाई अभी लेकिन पानी आ रहा है भाई, वो पानी कोई बंद कर दो यार जाके। चलो भाई ये देखो कितना बड़ा मिला है भाई, इधर देखो। ये देखो इसको भी हमें डाल देते हैं। चल भाई चल जल्दी कर वो देखो ये देखो
ये देखो मिल गया। ओ भाई ये भी काफी बड़ा है, ये भी मिल गया। देखो भाई चलो आ जाओ भाई, चलो ये मिल गया बेटा, बंद करो यहाँ से पानी आ रहा है भाई, इधर से पानी आ रहा है। शायद हम लोगों को और भी मिलता है लेकिन हम लोगों ने थोड़ा अच्छा से नहीं किया ना। वो भाई ये पूरा सांप की तरह है भाई, ये देखो ये देखो, ये ईल फिश का बच्चा है। अब इसको क्या करे, खाएगा तू इसको? देखो भाई ये देखो। तो आप चलो फाइनली मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोगों को कितना फिश मिला है। तो ये रहा हमारा सारा फिश, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कुछ जंगली कौवे हैं जिसे आप लोग शायद तालापिया भी कहते होंगे, ओके। लेकिन ये तालापिया नहीं होगा शायद, इसको हम लोग जंगली कौवे ही बोलते हैं। और प्लस यहाँ पर ये मुरल फिश है, मुरल, और यहाँ पर हम लोग इसे पोथी फिश बोलते हैं, ओके, पोथी पोथी माछा बोलते हैं हम लोग इसे। और ये हम लोग नेपाली में तो इसको गौरई बोलते हैं, और हिंदी में शायद इसको मुरल बोलते होंगे। और सबसे बड़ा ना ये वाला है, और ये शायद फीमेल है, ओके, शायद ये अंडा देने वाली है, इसीलिए काफी बड़ी लग रही है। बट कोई ना भाई, अभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से पका के खाएंगे। वैसे भाई पका के खाना पसंद करोगे या फिर जला के? जला के खाना पसंद करोगे?